अनिल, तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ वर्धा के साइड से निकल रहे हैं। आप देखते सिंधी जाने का सोच रहे थे, अगर वहाँ जाना हुआ तो वहाँ पहले जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे वर्धा। तो वर्धा में देखते बापू की कुटिया में वगैरह अगर जाने का चांस मिला तो वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ मैं बापू की कुटिया। बापू यानी अपने महात्मा गांधी जी, तो सेवाग्राम में है ना। मैं खुद भी बहुत साल पहले यानी बहुत छोटी थी तब गई थी। अब क्या हो गई पता नहीं, लेकिन अब जा रही हूँ और अगर मिला टाइम तो वहाँ जाऊंगी, नहीं तो वर्धा में कहाँ कहाँ जा रही है तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और मेरे साथ है शिवानी और आज हमारी गाड़ी ड्राइव कर रहा है रौनक। रौनक हाय कर दे। अभी क्या है वो हाईवे पे है ना, तो ज्यादा इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करते। तो और भैया गया है ड्यूटी पे, तो इसीलिए वैसे वर्धा में ही गया है भैया भी और हम लोग भी वर्धा ही जा रहे हैं। तो चलते हैं और आप सब भी चल रहे हो और देखते हैं वर्धा में बहुत सी देवियां वगैरह बैठी है, बोलते अगर टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं फिर नागपुर भी देख लेंगे। अरहल की फल्ली जिसकी दाल खाते हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, कैसे दिल है इसमें का मसलो अरे है पोषक तत्व है सगे पर। हां और ये रोमपी की स्कूल, यहाँ रोमपी 8th में पढ़ता था तो रास्ते में दिख गई तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और रोमपी भी बहुत खुश हो रहा था कि अरे मेरी स्कूल। अभी थोड़ा कंपाउंड वॉल वगैरह बना लिया है उन्होंने, इसके पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा तार का फेंसिंग था जब रोमपी पढ़ रहा था तब। और पेड़ पौधे भी वैसे ही थे पहले जैसे थे वैसे, और अच्छा अच्छा था ना। रोमपी को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी, अरे इतने साल के बाद स्कूल देखी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर रोमपी अंदर जाके देख के वगैरह आ गया, अंदर रहने क्लास में नहीं। और अभी पहुंच गए हैं वर्धा, दोपहर को भी पहुंच गए लेकिन इतनी धूप थी कि उसकी वजह से हम थोड़े हमारे गेस्ट के यहाँ रुके और फिर अभी आए। तो अभी बंद होने का टाइम है तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और ये है सेवाग्राम आश्रम बापू कुटी, तो चलो चलते हैं अंदर जाके देखते। सब खादी का, शायद मेरी आवाज थोड़ी कम आएगी आप देख लो। चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक के। और ये है चरखा, जहाँ सेवाग्राम में बापू अपने चरखा से कॉटन निकाल के नहीं क्या सूत निकाल के कताई करते थे और उसी के कपड़े पहनते थे, जो भी वो धोती वोती कुछ भी पहनते थे। तो कपड़े तो ज़्यादा शर्ट वर्ट तो पहनते ही नहीं थे, तो ये इस टाइप के चरखे थे। अभी ये इन्होंने शॉप में बेचने के लिए रखा है, लेकिन इस टाइप का उनका ओरिजिनल उधर जाके देखते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। और किसी को ये देखो बेल पाउडर, बेल यानी एक फ्रूट रहता है तो उसका पाउडर भी यहाँ मिलता है, और डिसेंट्री डायरिया जो भी कुछ पेट की बीमारी वगैरह हो जाती है उस मौसम लग जाता है, तो उसके लिए ये बेल फल है ना उसका पाउडर यहाँ पे मिलता है। अभी हम पहले हाँ, तो इसलिए हम जल्दी जाते हैं क्योंकि 5:30 बजे बंद हो रहे हैं।
तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे बापू की कुटिया में। तो यहाँ बहुत सारी कुटिया है ऐसे छोटे छोटे दो तीन, लेकिन मेन कुटिया जो है वो बापू की कुटिया है और एक बा की कुटिया है। तो 16 जिनको 1936 में हमारे बापू जी यहाँ पे आए थे और भारत छोड़ो आंदोलन की 1907 में उन्होंने यहाँ पे ही घोषणा की थी। और यहाँ प्रार्थना की जगह है, प्रार्थना भूमि, यानी उन्होंने वो पहले के इसमें लिख के रखा है प्रार्थना भूमि, यानी जो बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पे। और वहाँ जाने के बाद वो बोर्ड ही लगे हैं हर जगह पे, आप जाके पढ़ सकते हो। अभी मैंने बोर्ड का इतने डिटेल में आपको दिखाई नहीं हूँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो बोर्ड में आपको सब यानी वहाँ का लिखा मिलेगा। तो ये अभी हम आ गए बापू की कुटिया में, मेन जो बापू जहाँ पे रहते थे। तो ये है बापू की कुटिया, और जैसी पहले थी वैसी है, और अभी बहुत उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और जो चीज़ जी उसी जगह पे है, बापू का टॉयलेट है, बापू का बेड है, और बापू का वो जो चरखा था वो भी है, उनके वो जो तीन बंदर थे तो वो भी है, और सब उन्होंने अच्छे से इन्हें बहुत ही अच्छे से इतना साफ सुथरा रखा है कि इन्हें एक इतनी सी धूल भी नहीं। और पूरा मिट्टी का, उस जमाने में इन्हें जैसा था मिट्टी का उसी टाइप का अभी भी वहीं पे है। और ये जो है ना झोपड़ी जो बनी है उनकी कुटिया, तो और ये उनका टॉयलेट था बापू का, और उनको वो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे, वो न्यूज़पेपर रखने की भी जगह है। और ये यहाँ पे मालिश का टेबल है उनका, और उनका एक बेड भी रखा है वहाँ पे लकड़े का। अभी वहाँ पे इन्हें ये वगैरह नहीं है, बेड यानी गद्दी वगैरह नहीं है, लेकिन वो लकड़े का उनका वहाँ पे अभी भी पलंग है और अच्छे कंडीशन में है। तो वहाँ पे अंदर तो वीडियो लेना ज़्यादा मना था, वीडियो नहीं लेने देते दे रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत लिया। तो लेकिन मुझे और वहाँ इतनी शांति लगती है, बहुत ही शांति, अभी भी ऐसा लगता कि यानी यहाँ कोई रह रहा है। और मेंटेनेंस के बारे में तो उनको 100% देंगे, बहुत सही मेंटेनेंस किया है। और लेकिन हमको बहुत टाइम हो गया था तो हमने जल्दी जल्दी में देखा, तो आराम से नहीं मैं वीडियो ले सकी, थोड़ा हड़बड़ में ही लेना हुआ। तो और यहाँ पे उनकी बा की कुटिया थी, तो ये है बा की कुटिया। और ये बापू का स्नान गृह यानी बाथरूम था, और वहाँ पे उस जमाने में टब भी रखा है। ये देखो ये टब है वहाँ पहले के जमाने का। और वहाँ टेलीफोन की व्यवस्था पहले नहीं थी, तो वॉइस राय लुइस ने वहाँ पे उनके लिए टेलीफोन की व्यवस्था भी करके दी थी। ये जो फ्रूट है इसको बोलते हैं बेल फल, यानी बेल की पत्ती है ना, उसके पेड़ को ये ऐसे बड़े बड़े लगते हैं, और फिर ये पकने के बाद पूरे येलो हो जाते हैं, और उसका फिर सुखाने के बाद पाउडर करके ये लोग बेच रहे हैं। तो ये पेट के लिए, डिसेंट्री के लिए वगैरह, किसी को कब्ज यानी पेट की जो भी तकलीफें हैं वो सब इस फ्रूट से अच्छी हो जाती है। मुरब्बा भी खाते हैं, लेकिन टेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन दवा के लिए दवा है करके खाना है तो ठीक है। और वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे ही है चरखा घर, अभी नया ही बना है। और यहाँ जो बापू बनाए हैं वो पूरे स्क्रैप, और विनोबा भावे की भी वहाँ पे स्टैचू बनाया है, पूरा स्क्रैप से बनाया है, जो गाड़ी के पार्ट्स वगैरह रहते हैं लोहा लोकंड वगैरह वहाँ उसी चीज़ से बनाया है, और इतना रियल और बहुत ही सही। और वो जो दाढ़ी है उनकी तार की वगैरह, तो इसको ज़रूर देखने के लिए आप वहाँ पे जाइए। और ये इन्हें अनकॉमन लगा और बहुत सही लगा, और बड़ा सा चरखा भी वहाँ पे बनाया है उन्होंने लकड़े का। तो ये है वर्धा सिटी, शिवाजी पुत्रा चला गया आपको दिखाने वाली थी, लेकिन गाड़ी से हमारी टर्न हो गई, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ भी रहते थे, अच्छी सिटी है, और बहुत सी देवियाँ भी बैठी है अभी।
आ जाएगा, ये किसी का भरोसा नहीं है, फट से आड़े आ जाते हैं कोई। हमारी सोनल क्या कर रही है, आईब्रो स्पेशलिस्ट, हम नागपुर से इसके पास आईब्रो करने आए हैं। अभी इसका एक क्लाइंट है, मच्छर बहुत तोड़ रहे हैं इनके घर। पार्लर में नहीं गए, पार्लर ऊपर है, पार्लर ऊपर है बोलती है ऐसी। अभी हम जुगाड़ करके नीचे ही कुर्सी लगा के कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ना फिर उतरना, इसीलिए घर में ही कर रहे हैं नीचे बैठ के। और ये शिवानी के बुआ का घर था, किरण बुआ का, तो उन्होंने इतनी छोटी सी गैलरी बहुत ही सुंदर सजा के रखी थी, इतने सही सही छोटे छोटे पौधे भी लगाए थे, और मुझे तो गैलरी बहुत ही पसंद आई। छोटी थी लेकिन ऐसा लग रहा था वही बैठ के रहो, और छोटा सा वृंदावन रखे थे, रंगोली दिया वगैरह, ऐसे प्रसन्न वातावरण लग रहा था, और घर भी बहुत अच्छे से रखा था। और हम उनको थोड़े मिलने के लिए गए थे, बहुत शॉर्ट विजिट थी हमारी उनके, तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी उसका घर दिखाते थे, इतना सुंदर रखा था उसने। और पेड़ तो देखने लायक ही थे, छोटे छोटे थे लेकिन बहुत सुंदर अच्छे से रखे थे। और ये रोम्पी भी देख रहा था, रोम्पी को भी बहुत पसंद आया, और वो हमारे लिए कॉफ़ी बना रही थी अंदर, मुझे आपसे मिलाना था। और ये थी अक्षरा, ये अपनी शिवानी की सिस्टर, यानी वो बुआ की लड़की थी, तो वो भी कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाती है शायद गेम के वगैरह, कौन तो गेम के या म्यूजिक के, ऐसे मुझे इतना कुछ पता नहीं है। और अभी देखो ये गाड़ी में पलटन देखो, हमारी वनिता मैडम, सोनल, हमारी शिवानी, और हमारे जो हमको लेके आए रौनक किस्ती, और जो आपके साथ बड़बड़ कर रही है। तो अभी हमारा हो गया बापू कुटी देखना वगैरह, और माँ कुटी भी देखे हमने, वहाँ वीडियो नहीं ले सकते थे, इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। और वहाँ यानी कुछ बता भी नहीं सकते थे, तो वो बार बार बोल रहे थे नहीं वीडियो नहीं लेना, फोटो नहीं लेना वगैरह ऐसे, तो बाहर से ले सकते थे लेकिन अंदर से वो मना कर रहे थे, तो इसीलिए जितना हो सके उतना मैंने आपको दिखा दी हूँ। तो सब लोग बोलो क्या करना है अपने अपने चैनल को, क्या करना है सोनल? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो ये था मेरा आज का सेवाग्राम का आपके लिए छोटा सा ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, यानी जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो उनको सब्सक्राइब करना है। अब मेरी मांगने की बारी आ गई, एक लाइक ठोक दो, ये जो है ना इसको सिर्फ टच कर दो, एक लाइक तो बनता ही है, और बापू के लिए तो बनता ही है, जो मैं नागपुर से वर्धा आई, और आपके लिए जो भी जितना भी मैं उससे जमा उतना छोटा सा व्लॉग मैंने तैयार की हूँ। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, सुखानी रहा, सोईनी रहा, आणि रूपरेखा जिने की रहा, बजे रहा। चला भेटू मग पुन्हा।